उज्जैन पुलिस द्वारा बदमाशों की धरपकड़ करने के साथ अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने सट्टे के अवैध कारोबार का पर्दाफाश कर 7 आरोपियों को मोबाइल और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। उज्जैन क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खाराकुआं थाना क्षेत्र में 2 कारों में सट्टे का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और खाराकुआं पुलिस ने घेराबंदी कर 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से सट्टा करने की डिजिटल मशीन भी जब्त की है, जिसमें 20 मोबाइल एक साथ काम कर रहे थे। साथ ही 2 कार, 42 मोबाइल, 4 लैपटॉप और करोड़ों रुपए की सट्टा पर्चियों का हिसाब मिला है। कल रात को पुलिस को खाराकुआं पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कादर खान नाम का जनसंपुरा रहने वाला मोबाइल पे सट्टे का लेन देन कर रहा है, जिसको पुलिस ने पकड़ के सट्टे की कायमी कर दी। जब कादर खान से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो जयेश नाम के लड़के के लिए सट्टे का काम करता है, जिसके बाद में क्राइम की टीम के साथ में मिलकर जयेश की तलाश करते जयेश को पकड़ा, जो अपनी कार से घूम फिर के सट्टे का काम करता था, जिसको गाड़ी सहित हमने पकड़ा है। उसमें 2 गाड़ियां मिली, एक क्रेटा और एक आइटन, वो उससे घूम फिर के सट्टा करता था, जिसमें 6-7 लोग हमको मिले हैं। उनसे करीबन 28 मोबाइल मिले हैं और 14 एंड्रॉयड मोबाइल मिले हैं और 4 लैपटॉप और कुछ सट्टे का हिसाब मिला है जो करोड़ों में है। और ये पैसे न कुछ नकदी मिली है, 21,900 रुपये। हाईटेक तरीके से कुछ मशीनें भी हैं। हाँ, ये मशीनें ऐसा है कि सट्टे की लाइन के लिए एक मशीन मिली है, जिसमें 20 मोबाइल एक साथ अटैच रहते हैं, वो सट्टे का उतारने का काम करते हैं। वो कहाँ से कुछ लिंक मिला है, कहाँ को उतार रहे थे? ये लिंक हमें कल रात में जो सट्टा पकड़ा था कादर खान, उसके थ्रू मिली है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और आगे लोगों आगे कार्रवाई चल रही है, देखते हैं जो भी होगा। और भी जिनकी ग्रोह का आगे मालूम पड़ा हो कहाँ होता है, इनसे पूछताछ करते हैं, उसके बाद में जैसा भी खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस पकड़े गए सटोरियों से पूछताछ करने में जुट गई है, जिससे अन्य लोगों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।